गृह मंत्रालय की नए गाइडलाइंस के बाद देश के अलग अलग राज्यों से मजदूरों की घर वापसी शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर यहां मजदूरों को घर जाने को नहीं मिल रहा, वहां जमकर हंगामा हो रहा है। लॉकडाउन के 35 दिन बाद अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को निकालने की गाइडलाइन क्या आई, देश भर के मजदूरों ने राहत की सांस ली, लेकिन घर जाने की ऐसी जल्दी कि अलग अलग शहरों में मजदूर सड़कों पर आ गए। कहीं हंगामा शुरू हो गया तो कहीं तोड़फोड़। प्रवासी लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी तो रोहतक, बड़वानी और नागौर में घर वापसी की मांग के साथ मजदूर विरोध पर उतर आए, जिनकी मांग है कि गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के बाद उन्हें जल्द से जल्द घर भेजा जाए, उसका रास्ता निकालेंगे। वहीं सूरत में भी सैकड़ों की संख्या में मजदूरों का हुजूम देखने को मिला। एमएचए की गाइडलाइन को जमीनी स्तर पर लाना सरकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। देश के अलग अलग राज्य इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। बसों से सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरों को घर ले जाना आसान नहीं है। यही वजह है कि पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं सबसे ज्यादा चुनौती बिहार सरकार के लिए है। बिहार के करीब 25 लाख मजदूर और छात्र अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जिन्हें बसों से लाना संभव नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोग, उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6-7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसमें भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, जो केवल श्रमिकों को, छात्रों को, अन्य लोगों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था रहे, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा। उधर मजदूरों की घर वापसी के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के हेल्पलाइन में अब तक करीब 28 लाख कॉल रिसीव की गई हैं। एमएचए के गाइडलाइंस के बाद नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वहीं आने वाले मजदूरों और छात्रों की स्क्रीनिंग और क्वारंटीन की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। सरकार ने निर्देश दिया है, जो गाइडलाइन जारी किया है, उसके अनुसार हमारे बिहार के भाई बहन जो बाहर से आएंगे, हम उन सारे लोगों की स्क्रीनिंग भी करेंगे। तो हम सब लोग ने टीम बना लिया है जिलावार स्वास्थ्य विभाग ने। आलम यह है कि राजस्थान सरकार ने वापसी के रजिस्ट्रेशन की साइट शुरू की तो 3 दिन में करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन दे डाला। महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रवासी लोगों की वापसी का काम शुरू कर दिया है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों से पैदल न आने की अपील की है। योगी ने भरोसा दिलाया है कि यूपी सरकार उन्हें वापस लाने के लिए पूरा इंतजाम करेगी। इस महामारी काल में पूरे देश में जो भी जहां है वो ज़्यादातर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। फंसे लोगों की घर वापसी की तैयारियां तो तेज हो गई हैं, लेकिन वापस जाने के साधन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राज्यों के पास बसों से लाना एक विकल्प है, लेकिन लोगों की संख्या और दूरी को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर केंद्र की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।